जिस व्यक्ति का एग्जिट 4 जून को तय है, उन्होंने ये सरकारी एग्जिट पोल करवाए हैं, ये बिल्कुल जाली हैं, बिल्कुल नकली हैं, बिल्कुल झूठे हैं। इंडिया जनबंधन के पार्टियों को 295 सीटों से कम नहीं मिलने वाला है, 295 सीटों के ऊपर ही इंडिया जनबंधन के पार्टियों को मिलेगा। ये एग्जिट पोल फर्जी इसलिए हैं क्योंकि हमारे निवर्तमान प्रधानमंत्री और निवर्तमान गृह मंत्री ये सब मनोवैज्ञानिक खेल खेल रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं सभी विपक्ष की पार्टियों के ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर, काउंटिंग एजेंट के ऊपर, रिटर्निंग ऑफिसर के ऊपर, और धमकी दिया जा रहा है, एक माहौल पैदा किया जा रहा है कि हम वापस लौट आ रहे हैं। हकीकत इससे बिल्कुल विपरीत है। और ये जो प्रयास है निवर्तमान प्रधानमंत्री और निवर्तमान गृह मंत्री कर रहे हैं, हमारे जो हौसला है उसको कमजोर करने में, वो बिल्कुल विफल होंगे। आज कांग्रेस अध्यक्ष जी और राहुल जी ने हमारे सारे उम्मीदवारों के साथ जूम से बात की और बिल्कुल साफ हो गया है कि इंडिया जनबंधन को, और कल सभी इंडिया जनबंधन की पार्टियों भी मिली थी खरगे जी के घर में, और हर एक राज्य में जो जमीनी स्थिति है उस पर चर्चा हुई, विस्तार से चर्चा हुई, और सभी का यही मानना था कि 295 सीटों के कम इंडिया जनबंधन को मिलने वाला नहीं है, इससे ज़्यादा ही मिलेगा। ये मनोवैज्ञानिक खेल जो खेले जा रहे हैं निवर्तमान प्रधानमंत्री और निवर्तमान गृह मंत्री की ओर से, इसका हम पूरा सामना करेंगे, इसका मुकाबला हम करेंगे, और जीत हमारी ही होगी 4 तारीख को। आज 4:30 बजे इंडिया जनबंधन पार्टियों की ओर से एक डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिलने वाला है। कुछ मुद्दे हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे हैं काउंटिंग दिवस को लेकर, उस पर बातचीत होगी और जो हमारी मांगे हैं चुनाव आयोग के सामने हम रखेंगे। अभी हमारे अलग अलग देश के नेता जूम पर हैं और हम चाहते हैं कि आप उन्हीं से सुने कि क्या जमीनी हकीकत है उनके राज्यों में, जो बिल्कुल विपरीत है। जो एग्जिट पोल, ये जो मैनेज किया गया एग्जिट पोल, फर्जी एग्जिट पोल, सरकारी एग्जिट पोल जो करवाया गया है निवर्तमान प्रधानमंत्री के द्वारा, तो मैं शुरुआत करूंगा हमारे असम के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेन बोरा जी से। मैं उनसे एक दो सवाल पूछूंगा, बोरा जी उसका जवाब देंगे, और मैं हर जो राज्य से हमारे नेता जूम पर आए हैं उनसे यही सवाल पूछते जाऊंगा। भूपेन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर। नमस्कार भूपेन, प्लीज भूपेन, प्लीज प्लीज इन्फॉर्म द मीडिया एंड प्लीज इन्फॉर्म द नेशन, व्हाट इज द ग्राउंड रियलिटी इन असम? आज भी आपका सामने असम कांग्रेस का प्रेसिडेंट होने का नाते मैं आपको बोल रहा हूँ सर, मिनिमम 7 सीट में हमारा जीत 100% श्योर है। अभी असम का जो मीडिया है सर, वो टीवी में 4 सीट हमको दे रहा है, लेकिन प्राइवेटली आप किसी को भी पूछ लीजिए, असम में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में किसी पार्टी का आदमी को भी पूछिए, जो कांग्रेस ने इस बार पिछले से ज्यादा सीट हमको जरूर मिलेगा। और वोट शेयर भी सर, 2021 में हमारा जो वोट शेयर था सर, पूरा असम में
बीजेपी का साथ हमारा 1,00,000 वोट का डिफरेंस था, सीट हमको ज्यादा नहीं मिला था, लेकिन टोटल वोट में हमको 1,00,000 वोट का डिफरेंस था। वो भी हमने जो रीजनल पार्टी को भी साथ ले लिया और इंडिया अलायंस का जो प्रभाव है इसका भी पूरा फायदा हम लोग को हुआ। दूसरी बात सर, जो हमारा इसमें जो बीजेपी का ओल्ड बीजेपी एंड न्यू बीजेपी का जो फाइट है असम में, आपको मालूम है सोनोवाल वर्सेस हिमंत बिस्व शर्मा, ओल्ड बीजेपी वर्सेस न्यू बीजेपी, इसका भी हमको फायदा मिला। और असम में जो और नेशनल मीडिया ने जो बुलाया था, मैं इसमें इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन आसामीज मीडिया एंटायर जितना टेलीविजन है सबने कांग्रेस को मिनिमम 4-5 बोल रहे हैं। लेकिन सर 50 घंटे का बाद आपको मालूम पड़ेगा जो असम में हम 50% सीट लेके आ रहा है सर। शुक्रिया बोरा जी, शुक्रिया। थैंक यू उदय भान जी। हरियाणा में जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उस पर आपका क्या कहना है हरियाणा के संदर्भ में? उदय भान जी, एग्जिट पोल पूरी तरह से जनता के साथ धोखा है। ये पूरी तरह से सरकार के द्वारा, भाजपा के द्वारा ये कराया गया लोगों को गुमराह करने के लिए, इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालने के लिए, काउंटिंग एजेंट्स पर दबाव डालने के लिए है। मैं पूरे प्रदेश में जाकर के घूमा हूँ, सब जगह मैंने रिपोर्ट ली है, अपने ग्राउंड रिपोर्ट ली है, वर्कर से ली है, नेताओं से ली है। मैं ये कह सकता हूँ कि हरियाणा में जो शानदार चुनाव कांग्रेस पार्टी ने लड़ा है हम 10 के 10 सीटें भी जीत सकते हैं और किसी भी कीमत में 8 से कम हम जीतने वाले नहीं हैं। शुक्रिया उदय भान जी। शक्ति सिंह गोयल जी, गुजरात में क्या स्थिति है? जो आपने देखा है एग्जिट पोल को भी, जमीनी स्थिति क्या है? ये है जयराम जी की, गुजरात में पहले तो भाजपा कहती थी कि 26 की 26 सीट 5-5 लाख से जीतेंगे, कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिलेगा, लेकिन बड़ी मजबूती से हम लड़े और भाजपा की बोलती बंद हुई। कहीं पर भी ये नहीं कह रहे बाद में कि हम 5 लाख से जीतेंगे। 26 सीट जो हमारी है उसमें से अनफॉर्चुनेटली एक जगह भाजपा ने खेल खेला और इलेक्शन कमीशन ने इंडिपेंडेंटली जो सपोर्टर की सिग्नेचर मैच करने का कहीं पावर्स नहीं था, फिर भी हुआ, लड़ेंगे उसको, वो सूरत वाला। बाकी 25 सीटों में से 12 सीटें हम बिल्कुल टाइट फाइट में है। सभी का आंकलन, लोकल मीडिया का आंकलन भी यही है कि 4 से 5 सीट आराम से कांग्रेस जीतेगी और 11 से 12 सीटें टाइट फाइट में है। हमारे साथी में आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन में लड़ रही है, उसमें भरूच सीट टाइट फाइट में है, भावनगर भी बहुत अच्छे से लड़ी गई है सीट, तो 2 सीट वो लड़े थे। और बाकी 23 सीटों पे हमारे प्रत्याशियों ने बहुत जोरों से अच्छे से लड़ाई लड़ी। भाजपा में झगड़े चलते रहे, 2 जगह पे उनको कैंडिडेट बदलने पड़े, पूरे कैंडिडेटों के खिलाफ काले झंडे के साथ लोगों ने उसको घुसने नहीं दिया, ये हालत भी रही। और कांग्रेस में कहीं कैंडिडेट को लेके, चुनावी प्रचार को लेके कोई दिक्कत नहीं, एकजुट होके टीम के रूप में सब लड़े। मैं सभी कार्यकर्ता नेताओं का धन्यवाद करता हूँ। हमारे प्रभारी मुकुल वासनिक जी भी रहे, 5 न्याय और 25 गारंटी, लोगों ने उसको स्वीकार किया क्योंकि बीजेपी से उम्मीद लगाई थी, वो सारे साबित हुए। कुछ भी वहाँ पे जो पहले 2014-2019 में कहा था, एक सेना के जवान का सर जाएगा, 20 लेके आऊंगा, चाइना बॉर्डर पे 20 जवान शहीद हुए, किसी को खरोंच तक नहीं कर पाए। और भाषाएं ऐसी, प्रधानमंत्री जी बोले 2 भैंस है, 1 भैंस ले जाएगी कांग्रेस, तो इसको जनता ने स्वीकार नहीं किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि भले हम 2014 और 2019 में 0 पे रहे थे, इस बार हमारे लिए चुनावी नतीजे अच्छे रहेंगे। शुक्रिया शक्ति भाई।